देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर रहे हैं वार्तालाप टीवी और मैं हूँ आपके साथ रमन गोस्वामी। मेहनगर कस्बे के वार्ड नंबर 3 संत कबीर नगर स्थित मेहनगर पलहना मार्ग पर तहसील के पास 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। समय रहते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की सूझबूझ से एक बड़े हादसे से बचने के लिए अगल बगल के मकान खाली करा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और प्रशासन ने राहत की सांस ली। धराशायी मकान मालिक प्रभात दुबे पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र निवासी ग्राम पटना आईआई थाना मेहनगर के रहने वाले हैं। इस भवन में प्रभात बिल्डिंग मटेरियल के नाम से दुकान चलती है। इनके भवन के सटे दक्षिणी तरफ खाली प्लॉट को करौती गांव निवासी सुरेंद्र सिंह ने कुछ महीने पहले ही बैनामा कराया था, जिसमें बेसमेंट बनाने के लिए नीम की खुदाई 2 दिन से चल रही थी। शनिवार की सुबह प्रभात बिल्डिंग मटेरियल का भवन अपने स्थान से नीम खोदे जाने वाली जगह की तरफ झुकने लगा और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। अनन फनन में इसकी सूचना तहसील प्रशासन और स्थानीय थाने को दी गई। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार शैलेंद्र चंद सिंह ने आसपास के रहने वाले सभी लोगों से मकान खाली करा दिया। इसी बीच शाम को अचानक 2 मंजिला व्यावसायिक भवन भरभरा कर गिर गया। देर शाम तक दोनों पक्षों के लोगों के साथ आपसी सहमति से नुकसान की भरपाई की बातचीत चल रही थी। वही भवन धराशायी होने से प्रभात दुबे का व्यवसाय के साथ साथ करोड़ों रुपए का नुकसान होने से दुखी दिखाई दिए। समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई थी।